तो भाई वेलकम है एंड यू आर वॉचिंग रसल अपडेट फिटर। तो भाई ये वाली जो वीडियो है ना ये फुल्ली डेडिकेटेड होने वाली है रोमन रेंज के ऊपर, मतलब कि मल्टीपल रिपोर्ट्स हैं रोमन रेंज के ऊपर, आधे सुपरस्टार के ऊपर मुझे न्यूज़ ही नहीं मिले ज़्यादातर। तो भाई जितनी भी रिपोर्ट्स हैं रोमन रेंज के बारे में आज के दिन में मैं वो सब बताने वाला हूँ, इसलिए वीडियो में एंड तक बने रहना। जो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो सबसे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगर आप लोग मुझसे बात करना चाहते हो तो मैंने ट्विटर इंस्टाग्राम का लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ जाकर मुझे फॉलो कर सकते हो। तो भाई बढ़ते अपनी पहली स्टोरी की तरफ है ना, बात करने वाले WWE स्मैकडाउन की व्यूअरशिप के बारे में। तो भाई जैसे ये स्मैकडाउन गया बहुत सारे लोगों को जानना था कि व्यूअरशिप कितनी आई है, क्योंकि भाई व्यूअरशिप जो है ना वो बढ़ते ही जा रही है धीरे धीरे। तो भाई जो व्यूअरशिप है जो अभी अभी स्मैकडाउन गया वो है 2.78 मिलियन व्यूअरशिप, और ये ज्यादा है भाई, क्योंकि अगर आप देखो तो स्मैकडाउन पे जब पिछली बार रोमन रेंज आए थे उससे 2 लाख ज्यादा है, मतलब कि 2 लाख ज्यादा व्यूअरशिप आई है, जो कि बहुत ही बढ़िया है स्मैकडाउन के लिए। तो भाई बढ़ते अपनी अगली स्टोरी की तरफ है ना, बात करने वाले WWE स्मैकडाउन की एक नए रिकॉर्ड के बारे में। ये नया रिकॉर्ड तो नहीं है, बस एक ऐसी स्टैट्स है वो मैं आपको समझाता हूं। तो भाई जो हमने सेगमेंट देखा था रोमन रेंज एंड उसोस का, वो जो सेगमेंट था जो स्मैकडाउन पे था, वो जो वीडियो थी वो WWE वालों ने अपने सारे सोशल मीडिया ऐप पे भेजी थी, और उस पे व्यूअरशिप जानोगे ना भाई कंबाइन करके कितनी व्यूअरशिप आई है, आप शॉक होने वाले हो, क्योंकि जो व्यूज हैं वो है 2.6 करोड़, मतलब कि 26 मिलियन व्यूज आए हैं सारे सोशल मीडिया के ऐप पे, मतलब सबको मिला के, जो कि बहुत ही बढ़िया है, इनसेन है। तो भाई बढ़ते अपनी अगली स्टोरी की तरफ है ना, बात करने वाले हैं रोमन रेंज के बारे में। तो भाई रोमन रेंज अभी के टाइम पे एक चीज में टॉप पे हैं, और वो है मर्चेंडाइज सेल में। तो भाई कुछ हफ्तों से, मतलब कुछ हफ्ते नहीं, लास्ट के 4-5 हफ्तों से रोमन रेंज जो है वो टॉप के मर्चेंडाइज सेल है, मतलब कि उनकी जो टी शर्ट है उनके जो टॉयज हैं वो बहुत ही ज्यादा बिक रही है WWE की तरफ से, जो कि बहुत ही बढ़िया है, और इससे ज्यादा मुनाफा भी होगा WWE वालों को और रोमन रेंज को खुद, रोमन रेंज को पैसे भी मिलते हैं इसके लिए। अगर इसके ऊपर शॉर्ट वीडियो चाहिए तो इस पर भी मैं बनाने वाला शॉर्ट वीडियो। तो भाई बढ़ते अपनी अगली स्टोरी की तरफ है ना, बात करने वाले हैं सोलो सिकुआ के बारे में। तो भाई सोलो सिकुआ जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं ब्लडलाइन के अंदर, और उन्होंने एक ट्विटर पे एक ट्वीट भी भेजा है जिसके अंदर आप देख सकते हो उन्होंने एक फोटो भेजी है जिसके अंदर जो ब्लडलाइन में नहीं है उन सुपरस्टार के ऊपर क्रॉस करके भेजा है ट्वीट, और इससे पता चलता है कि वो जिमी और जे उसो सैमी ज़ेन को एक तरह से ब्लडलाइन से हटा चुके हैं, अपने अपने माइंड के अकॉर्डिंग हटा चुके हैं ब्लडलाइन से। और मेरे को इससे मतलब कि फर्क नहीं पड़ता भाई किसी भी फैंस को, क्योंकि ये तो ऑलरेडी हो चुका है, सबको पता है कि क्या चल रहा है ब्लड लाइन में। तो भाई बढ़ते अपनी अगली स्टोरी की तरफ है ना, बात करने वाले हैं रोमन रेंज एंड सोलो सिकुआ वर्सेस उसोस के मनी इन द बैंक मैच के पोस्टर के बारे में। तो भाई WWE वालों ने एक पोस्टर रिलीज किया था, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो ये वाला जो पोस्टर रिलीज किया था इसके ऊपर उसोस ने रिएक्ट किया है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो उन्होंने रिएक्ट करते हुए LFG लिखा है, और ब्लड वाला जो होता है इमोजी वो डाला हुआ है। अब पता नहीं इस LFG का फुल फॉर्म क्या है वो तो मुझे नहीं पता, अगर आपको पता है तो मुझे बता देना ज़रूर। और इन्होंने उसोस ने इंस्टाग्राम पे स्टोरी भी लगाई थी दो अपने ट्राइबल चीफ, और मतलब ट्राइबल चीफ तो नहीं रहे रोमन रेंज के लिए, और उस मैच के रिगार्डिंग वो भी मैं स्टोरी आपको दिखाने वाला हूँ अभी आगे। तो भाई बढ़ते अपनी अगली स्टोरी की तरफ है ना, हम बात करने वाले हैं कॉनर मैकग्रेगर के बारे में। तो भाई अगर आप इन्हें नहीं जानते तो चलो मैं आपको बताता हूँ। तो भाई कॉनर मैकग्रेगर UFC के एक बहुत ही बड़े सुपरस्टार हैं, और वो बहुत ही अच्छे अच्छे फाइट भी लड़ते हैं। तो भाई इसी के ऊपर भाई WWE के जो फैंस हैं वो ऐसा सोच रहे थे, ऐसा प्रिडिक्ट कर रहे थे कि जो कॉनर मैकग्रेगर हैं वो WWE के अंदर आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। कॉनर मैकग्रेगर ने साफ कह दिया कि वो उनका जो WWE आने का मन है वो बिल्कुल नहीं है, वो WWE में नहीं आना चाहते हैं। तो यहाँ से एक चीज़ तो पता क्लियर लगती है कि यहाँ पे जो कॉनर मैकग्रेगर है वो WWE में आने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम हो चुके हैं। तो भाई बढ़ते अपनी अगली स्टोरी की तरफ है ना, हम बात करने वाले हैं जे उसो का रिएक्शन के ऊपर। तो भाई जे उसो ने अपना रिएक्शन दिया है रोमन रेंज के फेस के ऊपर जो लास्ट स्मैकडाउन गया था। तो भाई जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो ये जे उसो की स्टोरी है जहाँ पे रोमन रेंज का फेस है, और रोमन रेंज के फेस के ऊपर छोटा सा डॉट देखोगे वो इमोजी है, और उन्होंने हंसता वाला इमोजी लगाया है रोमन रेंज के फेस के ऊपर, जो कि वो पता नहीं क्या दिखाना चाहते हैं। अब रिएक्शन तो चल रहे हैं भाई, अब आने वाले फ्यूचर में क्या हो सकता है रोमन रेंज के ऊपर, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे, इसके ऊपर भी एक अपार्ट वीडियो आएगी, इसलिए स्टे ट्यून्ड भाई, चैनल को सब्सक्राइब करके रखे रहना। तो भाई बढ़ते अपनी अगली एंड फाइनल स्टोरी की तरफ है ना, बात करने वाले हैं रोमन रेंज के नेक्स्ट ओपोनेंट के बारे में। तो भाई जिमी जे उसो तो नेक्स्ट ओपोनेंट होने वाले हैं मनी इन द बैंक में, लेकिन आगे कौन ओपोनेंट हो सकता है इसके ऊपर हम बात करेंगे। तो भाई जो नेक्स्ट ओपोनेंट हो सकते हैं रोमन रेंज के वो है बॉबी लैशली।
तो भाई ऐसा रिपोर्ट्स और सोर्सेस का कहना है कि यहाँ पे बॉबी लैशली हो सकते हैं नेक्स्ट चैलेंजर। वो कैसे, चलो ये भी मैं आपको बताता हूँ। तो भाई WWE वालों ने अपने इंस्टाग्राम ट्विटर मतलब इंस्टाग्राम हैंडल पे एक वीडियो भेजी थी जिसके अंदर आप देख सकते हो जो फैंस है वो चैंट कर रहे हैं कि रोमन रेंस यू डिजर्व इट। तो इसी के नीचे बॉबी लैशली भी एक तरह से कमेंट करते हैं और वहाँ पे आप देख सकते हो @ रोमन रेंस और टेलीफोन का वो जो इमोजी होता है वो लगाया है। तो भाई इससे ये पता चलता है कि यहाँ पे फ्यूड स्टार्ट हो सकती है बॉबी लैशली और रोमन रेंस के रिगार्डिंग। तो भाई यहाँ पे स्टार्ट होने के चांसेस तो और भी ज़्यादा बढ़ गए हैं इस कमेंट के द्वारा। तो अब देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होगा। आने वाली वीडियोज़ में हम और भी बातें करेंगे। ये वाली जो वीडियो थी इतनी थी भाई, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।